अच्छा मंत्री जी, जब आप क्या कहते हैं मेरठ से चले होंगे और उसके बाद जब सहारनपुर पहुंचे होंगे, तो कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक है, आपने देख लिया था कि मौसम कैसा हो चुका है जब आपने 9:30 बजे वहां पर भगवा पहना था। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार धर्म सिंह सैनी की वहां पर ऐसी क्या बातचीत हुई, क्योंकि बहुत दिनों से बात चल रही थी कि धर्म सिंह सैनी जी कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने घर में रहेंगे, आराम से शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं करने वाले। कुछ लोग कह रहे हैं क्या मंत्री जी ने अपनी गलती मान ली, क्योंकि जब आपको बुलाया गया था खतौली तो पूरा एक हुजूम हो गया था, लोग बहुत सारे गए थे। अब की बार मंत्री जी ने साइलेंट मोड पर जाकर ये काम किया, क्या कहना चाहेंगे? लोग ये कह रहे थे कि मंत्री जी ने इशारा कर दिया है कैराना में इकरा और सहारनपुर में इमरान मसूद, तो क्या वो इशारा आपका था या फिर वो लोगों ने अपनी मर्जी से बनाया था? नहीं, इशारा तो मैंने आज किया है। अच्छा, अभी तक कोई इशारा नहीं था, कहीं का इशारा नहीं था, कमरे में बंद था, किसी को कोई संबंध में कह नहीं रहा था, कोई सोशल मीडिया पर मेरा कोई कमेंट दिखा दे इस तरह का। इशारा तो मैंने आज किया है और वो भी इशारा माइक के माध्यम से किया है। इस समय सहारनपुर में मौजूद हूँ और कद्दावर नेता कहे जाने वाले और मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाने वाले आज धर्म सिंह सैनी ने फिर से भगवा पहन लिया है। इनसे जरा बातचीत करते हैं कि अब भगवा पहनकर कैसा लग रहा है। मंत्री जी, आज फिर भगवा पहन लिया 2022 के बाद, तो कैसा लग रहा है? आपने महसूस किया है, मेरे समर्थकों को अच्छा लग रहा है तो उनसे अच्छा मुझे लग रहा है। अच्छा, आज हम सब भगवा पहन करके प्रफुल्लित हैं और आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पूर्ण रूप से नशावर करने का काम करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। और यहाँ पर कैराना लोकसभा से भाई प्रदीप चौधरी को और सहारनपुर से भाई राघव लखनपाल शर्मा जी को जिताने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मंत्री जी, जब आप क्या कहते हैं मेरठ से चले होंगे और उसके बाद जब सहारनपुर पहुंचे होंगे, तो कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक है, आपने देख लिया था कि मौसम कैसा हो चुका है जब आपने 9:30 बजे वहां पर भगवा पहना था? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने मौसम देख करके नहीं, ये समय था, समय बीत गया, कल समय फिर दूसरा आया और दूसरा समय आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण करने का काम किया और इसीलिए कोई ये मौसम वैज्ञानिक की है उसकी बात नहीं, वो तो भविष्यवाणी पहले फेल हो चुकी थी। अच्छा, तो क्या लगता है अब कैसे देखते हैं, क्योंकि सैनी समाज बहुत ज़्यादा नाराज था, आपने देखा वो कैराना की बात कर रहे तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि लोग ये कह रहे थे कि अब की बार वोट नहीं, अगर जो सम्मान नहीं तो वोट नहीं, तो अब क्या लगता है कि सम्मान मिल चुका है तो वो सैनी समाज अब की बार वोट देने का काम करेगा? देखिए, सैनी समाज में 96% और अदर कास्ट में जितने भी दूसरे हमारे अन्य समाज हैं, वो अलग अलग समाज का नाम न लूँ, यहाँ हर वर्ग हर जाति के लोग थे, मजहब के भी लोग थे, तो सब में मेरे फॉलोवर हैं और वो सब लोग मिल कर के मैंने कहा कि कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार धर्म सिंह सैनी की वहाँ पर ऐसी क्या बातचीत हुई, क्योंकि बहुत दिनों से बात चल रही थी कि धर्म सिंह सैनी जी कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने घर में रहेंगे, आराम से शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं करने वाले। जिस कारण से ये इतनी देर लग रही थी वो हमारी और पार्टी के लोगों के जो हमारे नेतृत्व हैं उनके बीच में है, समय आने पर वो सबको उसका खुलासा हो जाएगा, जैसे ही अचानक कल रात ये भारतीय जनता पार्टी में जाने का खुलासा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या मंत्री जी ने अपनी गलती मान ली, क्योंकि जब आपको बुलाया गया था खतौली तो पूरा एक हुजूम हो गया था, लोग बहुत सारे गए थे, अब की बार मंत्री जी ने साइलेंट मोड पर जाकर ये काम किया, क्या कहना चाहेंगे अब? नहीं, देखिए ऐसा है कि साइलेंट मूड में नहीं, आप लोगों के फिर उस पर सोशल मीडिया पर कई दिन से चल रहा था इस बात को लेकर के जी, कि धर्म सिंह सैनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, बल्कि बहुत सो ने तो सोशल मीडिया पर समय तक दिन तक सब निश्चित कर दिया था और कुछ का गैस वो कल का 8 बजे का उसी तरीके से पास भी हुआ है, तो वो अपना आप को अब बहुत तगड़े ज्योतिषी समझेंगे जिनका जो है वो ये फिट बैठ गया है तुक्का, लेकिन ना कोई शांति से, मैं तो मुझे बुलाया गया, कॉल आई, मैं चला गया लखनऊ और लखनऊ जा कर के बातचीत सब हुई शीर्ष नेतृत्व से और उसके बाद में मैंने कल ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, उनके सामने मैंने पार्टी ग्रहण करी। लोग ये कह रहे थे कि मंत्री जी ने इशारा कर दिया है कैराना में इकरा और सहारनपुर में इमरान मसूद, तो क्या वो इशारा आपका था या फिर वो लोगों ने अपनी मर्जी से बनाया था? नहीं, इशारा तो मैंने आज किया है।
अच्छा, अभी तक कोई इशारा नहीं था, कहीं का इशारा नहीं था, कमरे में बंद था, किसी को कोई संबंध में कह नहीं रहा था, कोई सोशल मीडिया पर मेरा कोई कमेंट दिखा दे इस तरह का। इशारा तो मैंने आज किया है और वो भी इशारा माइक के माध्यम से किया है, सब अपने समर्थकों को बुला करके किया है, भारतीय जनता पार्टी के हक में किया है, कमल का फूल खिलाने के लिए क्या किया है, प्रदीप चौधरी और राघवलखन पाल शर्मा जी को जिताने के लिए किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे अब, जनता जो है वो आपको सुनना चाहती थी, क्योंकि दो साल से आप बिल्कुल मौन थे, कुछ नहीं बोले थे और चेहरे की मुस्कुराहट तो बता रही कि आज दिल में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं पर बोलना नहीं चाहते, तो एक बार बोल दीजिए जनता को क्या कहना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए कि मैं मौन था, लेकिन क्या आपका मीडिया मौन था, क्या सोशल मीडिया मौन था, रोज खबर आती रहती थी, आज बसपा की तरफ गए, आज लोक दल की तरफ गए, आज फला की तरफ गए, आज उधर इशारा कर दिया, आज उधर उधर इशारा कर दिया, ये कोई एक जो जनाधार वाला व्यक्ति होगा उसी के बारे में चर्चा हो सकती है। अच्छा, तो मैं केवल अपने समर्थकों को यही कहना चाहूँगा कि आज से हमारा परिवार, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए हम, हमारे पास आज का आधा दिन बचा है बाकी और कल का पूरा दिन है, हम पूरे तरीके से धन तन मन धन से हम मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए और 400 पार करने के लिए, कमल का फूल खिलाने के लिए, प्रदीप चौधरी के लिए, राघवलखनपाल शर्मा जी के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे और ईश्वर ने चाहा उन्हें श्री राम का नारा दे करके जिताने का काम करेंगे। मौजूद हमने इनसे बातचीत की और कह दिया कि जो इशारा था वो मेरा नहीं था, मेरा इशारा तो कमर में बंद था। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।